हेलो रिवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत के इम्पोर्टेंट मंदिर एवं मस्जिद के बारे में। मंदिर और मस्जिद से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर करेंगे और साथ ही उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी जानेंगे। सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अजमेर है कहाँ पे? तो अजमेर है राजस्थान में। अजमेर जो कि राजस्थान में है, राजस्थान के अजमेर शहर जिसे ख्वाजा की नगरी भी कहते हैं, अजमेर शहर को ख्वाजा की नगरी भी बोला जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है और इसके निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर 1192 ईस्वी में की थी, 1192 ईस्वी में। और यह पूरी तरह बनकर कब तैयार हो गया था? 1199 में, 1199 में पूरी तरह से बन गया था। और इसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर पहले हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, जिनको तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, और राजस्थान अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। ठीक है, और यहाँ गवर्नर कौन है? गवर्नर है कलराज मिश्रा। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर। ठीक है, पिंक सिटी जयपुर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर टू है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तिरुचिरापल्ली है कहाँ पर? तो यह तमिलनाडु में है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। और इस मंदिर का आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है? तो द्रविड़ियन, द्रविड़ियन आर्किटेक्चर है इस मंदिर का आर्किटेक्चर स्टाइल। ठीक है, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? इडापड्डी के पालाना स्वामी। ठीक, और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ कैपिटल क्या हो गया? चेन्नई। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है, चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर जो कि विख्यात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करणी माता का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, करणी माता का मंदिर। यह है कहाँ पे? तो यह है राजस्थान में, करणी माता का मंदिर राजस्थान में है। और इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है? मुगल है, मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसका, करणी माता का मंदिर का, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बता चुके हैं अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, और राजस्थान का कैपिटल जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? सप्तरथ कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। महाबलीपुरम है कहाँ पे? तो यह तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में है। और यह तीन मंदिर है यहाँ, महाबलीपुरम सप्तरथ मंदिर जो है यहाँ तीन मंदिर है, बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है और दोनों तरफ से शिव मंदिर है। ठीक है, बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है और दोनों तरफ से शिव मंदिर है। ठीक है, और तमिलनाडु का कैपिटल हो गया चेन्नई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं इडापड्डी के पालाना स्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो के मंदिर है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या हो गया? भोपाल। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। और गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के? तो लालजी टंडन, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। और भोपाल में एक गैस ट्रेजडी हुआ था, वो कब हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? वो हुआ था 2-3 दिसंबर को हुआ था, 2 या 3 दिसंबर को हुआ था 1984 में, 2 दिसंबर 3 दिसंबर को रात में हुआ था 1984 में हुआ था। इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? तो गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भी आपको याद होना चाहिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में, कोणार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कोणार्क। कोणार्क है कहाँ? तो उड़ीसा में है, कोणार्क जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है, इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य मंदिर को, कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और उड़ीसा में अभी हाल ही में साइक्लोन आया था, उसका नाम क्या था? उड़ीसा में जो भी हाल ही में साइक्लोन आया था मई में, उसका नाम था फानी, FANI फानी साइक्लोन इसका नाम था। ठीक है, और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। कैपिटल क्या हो गया उड़ीसा का? भुवनेश्वर। ठीक है, सारे फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेवन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है राजस्थान के माउंट आबू में, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि 5 मंदिरों का समूह है, इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था,
ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी के बीच हुआ था दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण। ठीक है, इसमें पांच मंदिरों का समूह है कहाँ पे, तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर बनवाया अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर है, अर्जुन देव, जो कि है कहाँ पे स्वर्ण मंदिर, यह है अमृतसर के पंजाब में। पंजाब में है स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। पंजाब का कैपिटल क्या हो गया, चंडीगढ़। पंजाब का कैपिटल क्या हो गया, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक और सिटी का कैपिटल है, एक और स्टेट का कैपिटल है। हरियाणा का कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है और पंजाब का कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन हो गए, अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है, गवर्नर है वीपी सिंह बंदोरे। वीपी सिंह बंदोरे यहाँ के गवर्नर हैं पंजाब के। क्वेश्चन नंबर 9, एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए। एलोरा के पहाड़ी मंदिर बनवाए थे राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर है कहाँ पे, तो है औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र का कैपिटल हो गया मुंबई। एलोरा का पहाड़ी मंदिर है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र, मुंबई इसका कैपिटल हो गया। बनवाया किसने था, तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी जजाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जजाति केसरी। है कहाँ पे लिंगराज मंदिर, तो यह है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में है, उड़ीसा का कैपिटल जो कि भुवनेश्वर है। लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, शाहजहां। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में, वो किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बहाई। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बहाई। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, खजुराहो का कन्हैया महादेव मंदिर किसने बनवाया। खजुराहो का कन्हैया महादेव मंदिर बनवाया था चंदेल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, चंदेल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, चंदेल। है कहाँ पे खजुराहो का कन्हैया महादेव, खजुराहो है कहाँ पे, तो है भोपाल में। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है। खजुराहो का कन्हैया महादेव मंदिर भोपाल में है। ठीक है, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 14, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था, तो इसका सही आंसर है राजा पूरनमल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राजा पूरनमल, जो कि झारखंड में है। मंदिर है कहाँ पे, देवघर झारखंड में है। ठीक है, झारखंड का कैपिटल क्या हो गया, रांची। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, रघुवर दास। कैपिटल हो गया रांची, चीफ मिनिस्टर है रघुवर दास। गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांका। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, बांका। ठीक है, और बिहार, तो बिहार का कैपिटल क्या हो गया, पटना। बिहार का कैपिटल हो गया पटना। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है, फागु चौहान। हाल ही में बने हैं फागु चौहान, यहाँ का गवर्नर है। ठीक है, फागु चौहान। और बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, बिहार का शोक तो बोला जाता है कोसी नदी को। बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। ठीक है, सो यह था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।